हेलो एवरीवन, मैं हूं आनंद मेहता और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मदरसन वायरिंग इंडिया लिमिटेड के बारे में। देखिए, बहुत बड़ी तेजी इसमें देखने को मिली है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, और मंडे को देखना और भी अट्रैक्टिव रहेगा कि मार्केट का मूवमेंट कैसा रहता है और इस स्टॉक का जो है वो रिएक्शन कैसे रहता है। बेसिकली ये जो तेजी देखने को मिल रही है, क्या ये तेजी टेम्पररी है, क्या हम इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, या फिर ये फिर से लुढ़केगा नीचे की ओर, वीडियो में जानेंगे सब कुछ। और साथ में ये भी समझेंगे कि सेक्टर में भी स्कोप कैसा है, बिजनेस के नेचर को समझेंगे और आने वाले टाइम में जो इन्वेस्टमेंट और रिटर्न की पॉसिबिलिटी बन रही है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो में जानेंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए ए प्रो ट्रेडर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन भी हिट कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं आज की, तो यहाँ पे जो शेयर है वो 65 रुपीज 40 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। और हालांकि एक बहुत इंटरेस्टिंग वाली बात है कि जब लास्ट ट्रेडिंग सेशन था तो 5.48% का यहाँ पे तेजी देखने को मिल रहा है। पिछले 5 दिनों की अगर मैं बात करूं 4.64% की यहाँ पे तेजी, और पिछले 1 महीने की अगर मैं बात करूं तो 5.65% की तेजी। हालांकि काफी लंबे टाइम से जो स्टॉक था पिछले 1 महीने से एक जोन में ट्रेड कर रहा था, और जैसे 61 रुपीज का जो ब्रेक डाउन है यहाँ पे वो जैसे ब्रेक किया, स्टॉक भाग गया यहाँ से। पिछले 6 महीने की अगर मैं बात करूं तो 13% से भी ज्यादा का तेजी। और इस बीच देखिए, इस स्टॉक ने डिविडेंड भी दिया यहाँ पे और साथ ही बोनसेस भी पे किया है। डिविडेंड के बारे में अगर मैं बताऊं तो कंपनी ने, जो कंपनी है वो अपनी दूसरी पेरेंट कंपनी के साथ डीमर्ज हुई है, जो समर्थना मदरसन हुआ करती थी। दोनों कंपनियां डीमर्ज होकर के अलग अलग हो गई, एक मदरसन वायरिंग इंडिया लिमिटेड बन गई और एक समर्थना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड बन गई है। और 2022 में जब ये डीमर्ज हुई थी तो सेम साल दोनों ने डिविडेंड भी पे किया था। दोनों को मिला करके ये दोनों 1.5 रुपए का डिविडेंड पे करते हैं, और साथ ही अगर मैं बात करूं तो इन्होंने बोनसेस भी पे किया था, और बोनस के लिए ये शेयर जाना जाता है। बोनसेस से अच्छे खासे पैसे बने इस स्टॉक में। पिछले 1 साल की अगर मैं बात करता हूं 17% से भी ज्यादा का तेजी है। और देखिए, ये जो स्टॉक का रिटर्न है, लेकिन इसमें बोनस और अगर मैं ये जो डिविडेंड है दोनों मिला करके ऐड करूं तो अच्छा खासा रिटर्न यहां पे बनते हुए दिखा। और पिछले 5 साल में बात करें 41.41% पे यहां पे तेजी है। कंपनी के बारे में अगर मैं बताऊं, देखिए ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। इनके जो रेवेन्यूज बनते हैं वो 70 से 80% के जो रेवेन्यूज होते हैं वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के होते हैं, लेकिन कंपनी अपना फ्यूचर देख रही है। आने वाले टाइम में कम से कम 30 से 35% का जो रेवेन्यू है वो नॉन ऑटोमोबाइल सेक्टर से ही भी ये कंपनी अरेंज करेगी। बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो कंपनी जो है मदरसन एक्सपर्ट फॉर वायरिंग हरानेस सोल्यूशन इन इंडिया आर लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वायरिंग हरानेस विथ एक्सेस टू वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी। देखिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़े बड़े कंपनियां इनके क्लाइंट है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो टाटा मोटर, मारुति सुजुकी इनके क्लाइंट है, और मैं बाहर एब्रोड की बात करूं तो बड़े बड़े ब्रांड जो प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ियां बनाते जैसे BMW, मर्सिडीज, ये सारी जो इनके क्लाइंट है जिनके लिए वो बॉडी का काम करती है, इंजन का नहीं। और जो इनकी दूसरी कंपनी है वो बॉडी बनाती है, और ये जो कंपनी है मदरसन वायरिंग इंडिया लिमिटेड, ये नाम से ही पता चल रहा है ये वायरिंग रिलेटेड काम करती है। बहुत सारे लोगों का डॉट रहता है आप में से कि अगर ये कंपनी जो है वो वायरिंग का काम कर रही है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम कर रही है, तो जैसे कि हम EVs में बढ़ रहे हैं, बैटरी वाले गाड़ियों में बढ़ रहे हैं, हम सोलर वाले गाड़ियों में बढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन वाली गाड़ियों में बढ़ रहे हैं, तो क्या आगे इस बिजनेस में स्कोप है? तो गाइस, बिल्कुल स्कोप है। गाड़ियां चाहे कैसी भी बने, गाड़ियों में तो वायरिंग की जरूरत पड़ेगी ही, और वायरिंग होगी, और वायरिंग अगर होगा तो ये जो कंपनी हमारे साथ है वायरिंग इंडिया लिमिटेड, मदरसन वायरिंग इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के गाड़ियों के सेल के ऊपर है। जितनी गाड़ियां बिकेगी बिजनेस में उतनी ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है कंपनी। और अगर मैं इसके फाइनेंशियल्स भी देखूं, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो अच्छा खासा रिटर्न बना के ये कंपनी दी है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अच्छी खासी बाइंग की रिकमेंडेशन यहाँ पे है यूजर के द्वारा, और मोतीलाल ओसवाल ने इसको 70 रुपए का टारगेट दिया हुआ है। और हालांकि ये जो टारगेट होता है पिछले 1 साल का होता है, पूरे 1 साल का, पूरे फाइनेंशियल ईयर का। और अगर आप किसी टारगेट के बारे में सुनते हैं मेरे वीडियोस में, इसका मतलब ये नहीं कि ये टारगेट तुरंत खट जाएगा। ये बहुत रिसर्च एनालिस्ट करने के बाद जो टारगेट होता है वो ब्रोकर्स के द्वारा दिया जाता है, जिनकी रिकमेंडेशन होता है बाइंग की, सेलिंग की, होल्डिंग की, अकॉर्डिंग टू द बिजनेसेस। ये वेरी करते रहता है कंपनी टू कंपनी और ब्रोकर टू ब्रोकर, सबके अपने अपने राय होते हैं अपने स्टॉक के ऊपर, क्योंकि उनका जो एनालिसिस का तरीका है वो उनका अपना होता है। देखिए, 2 बार इनका, 1 अगस्त में भी इन्होंने टारगेट दिया था 70 में, फिर 70 में अगस्त में दिया था, उसके बाद अभी नवंबर में इन्होंने 70 रुपीज का टारगेट दिया हुआ है।
और जो इनके दो बड़ी बड़ी अपडेट है, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी अपडेट है दो, जो कि पहली तो मैं बात कर रहा हूँ जो इनके क्वार्टरली नतीजे हैं, इनके लिए बहुत ही रिसेंटली इन्होंने बताया हुआ जो इनके Q3 के नतीजे आने वाले हैं। देखिए यहाँ पे 0.65 रुपये का डिविडेंड कंपनी दी है और 0.85 रुपये का डिविडेंड इनकी दूसरी कंपनी दी है, दोनों मिलाकर के 1.5 रुपये का डिविडेंड कंपनी पे की है। बोर्ड मीटिंग की बात करेंगे 31 जनवरी 2024 को क्वार्टरली नतीजे इनके यहाँ पे देखने को मिलेंगे और जैसे रिजल्ट आता है डेफिनेटली मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और डिटेल में समझाऊंगा जो रिजल्ट आएंगे उसके बारे में बताऊंगा। बोनसेस की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि जिस साल वो कंपनी डीमर्ज हुई थी दोनों कंपनियों ने यहाँ पे बोनसेस मिला था, हालांकि एक अगर समर्थना मदर्सन सुमी हुआ करती थी, इसके जो जिसके पास इसके शेयर थे ना उसको दोनों कंपनियों के शेयर मिले थे और दोनों कंपनियों के शेयर मिलने के बाद भी सेम ईयर उनको उस शेयर के ऊपर बोनसेस भी हुआ था जो 2:5 रेशियो का है, तो आप सोच सकते हैं कितनी अच्छी खासा रिटर्न बना के मिला है। और 2022 में तो बोनसेस नहीं मिला है लेकिन अगर ये स्टॉक 70 से ऊपर जाता है यानी कि 85, 80, 90 तो वहां भी आपको बोनसेस मिलते हुए दिखेंगे और जो प्राइस है ना वो एडजस्ट होते हुए दिखाई देगा, क्योंकि हर बार हर टाइम पे जो प्राइस है वो यहाँ पे एडजस्ट होते हुए दिखाई देता है। शेयर स्प्लिट की मैं बात करूं तो देखिए बोनसेस भी इतना अच्छा खासा दे रहा है कि शेयर को स्प्लिट करने का जरूरत ही यहाँ पे पढ़ते हुए बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। कंपनी में एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो इनके फंडामेंटल्स है, अच्छी खासी कंपनी है, मार्केट कैप जो है वो डे बाय डे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ग्रो के एनालिस्ट की मैं बात करूं 70% लोग एनालिस्ट जो है वो बाइंग के रिकमेंडेशन दे रहे हैं, 10 एनालिस्ट है टोटल जिसमें से आपको जो 7 एनालिस्ट है वो बाइंग के रिकमेंडेशन दे रहे हैं, 1 एनालिस्ट जो है आपको होल्ड करने के लिए यानी कि 10% और सेल करने के लिए 20% एनालिस्ट आपको दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं जो मार्केट कैप है इनका, अच्छा खासा मार्केट कैप है, मिड कैप के रेंज में आता है ये, 29,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इनका। पी रेशियो 55.59 रुपये का है, इंडस्ट्री पी की बात करें 46.61 रुपये का, हालांकि ये अपडेटेड नहीं है, अपडेटेड पी की बात मैं आगे वीडियो में करूंगा। प्रॉफिट के बारे में अगर मैं जान लूं, देखिए 2022 में डीमर्ज हुआ था तो उसके बाद ज्यादा जो इनका रेवेन्यू वगैरह है वो आप देख सकते हैं ईयरली भी और क्वार्टरली भी, और हालांकि दो कुछ चीजें हैं कंपनी में जो मस्ट है, ठीक है, वो अच्छे खासे यहाँ पे रेवेन्यू में देखने को आपको मिल रहे हैं। देखिए 2022 में ना 5,665 करोड़ का था इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट जो था 2022 में गाइस वो 441 करोड़ का था, लेकिन 2023 में प्रॉफिट आप देख सकते हैं 487 करोड़ का है, तो फाइनेंशियल ईयर से भी बढ़ते हुए यहाँ पर प्रॉफिट भी बढ़ते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो कंपनी जो है एक कह सकते हैं लॉन्ग टर्म के नजरिए से अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इंडस्ट्री में काफी ज्यादा स्कोप है और कंपनी में भी काफी ज्यादा यहाँ पे स्कोप देखने को मिल रहा है। अपडेटेड पी की मैं बात करूँ 51.92% का जो पी है, रुपीज का पी है, सेक्टर पी की बात करूँ 54.30 रुपये का है, आप ठीक ठाक कह सकते हैं, स्टॉक उतना ज्यादा महंगा अभी बिल्कुल भी नहीं है। और मैं होल्डिंग की बात करूँ बिजनेसेस में, देखिए शेयर पैटर्न होल्डिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है और अगर आप किसी स्टॉक में पैसे डालते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो इसके साथ अपडेटेड रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 61.73% का जो होल्डिंग है वो प्रमोटर होल्डिंग है और प्रमोटर में एक चीज अपडेट है, कुछ टाइम पहले ना इनकी जो होल्डिंग थी कुछ शेयर गिरवी थी लेकिन अभी इस टाइम पे इन्होंने अपने सारे के सारे शेयर गिरवी से छुड़ा लिया है। म्यूचुअल फंड की बात करें 13.91% पे है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात करूं 3.85%, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की बात करूं 11.08% और रिटेल एंड अदर की बात करूं तो 9.43% की अच्छी खासी होल्डिंग यहां पे बनते हुए दिखाई दे रहा है। फ्रेश बाइंग की अगर मैं बात करूं, देखिए स्टॉक ना भागा हुआ है, 60 रुपये तक बाइंग के मैंने अच्छे खासे मौके दिए थे और जब ये नीचे था 50 रुपये के आसपास बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए थे इसके ऊपर और जिसमें मैंने आपको बोला था कि डेफिनेटली इसमें आप लॉन्ग टर्म में बाइंग के लिए अच्छे मौके देख सकते हो और इसको आप लेके भूल भी जाओ तो आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न आपको बना करके देगा, पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा इंपैक्ट ला करके देगा। तो यहाँ पे देखिए स्टॉक जो 55 से 60 के बीच में आपको कुछ टाइम पे मिल जाएगा आने वाले टाइम में, तो आप डीप बाइंग के स्ट्रैटेजी अपना सकते हो क्योंकि आप थोड़ा वेट करके ही बाइक करो और आप जो आपको मौका मिलता है तो इसे बाई कर लो, आप डिले मत करो क्योंकि जो स्टॉक है वो और भी आगे धीरे धीरे महंगा होते हुए आपको दिखाई देगा। वीडियो बस इतना ही, अगर आप चैनल पे नए हो तो जनरल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए ए प्रो ट्रेडर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन भी हिट कीजिए क्योंकि फ्यूचर में से बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।